वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। आज मंगलवार यानी 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोपहर 12:59 पर इनका यह गोचर होगा, जिसके बाद करीब एक माह तक ये इसी राशि में रहेंगे। 6 दिसंबर को ये 3:40 पर गोचर कर धनु में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच होकर अशुभता देंगे, जबकि वृश्चिक राशि के सूर्य को भी ज्योतिष अनुसार खराब फल देने वाला बताया गया है। इस नाते जिनके भी जन्म कुंडली में सूर्य को पितृ दोष लगा हुआ है, सूर्य नीच राशि का है, उनको अगले आने वाले 40 दिनों तक सूर्य गोचर के दौरान नौकरी में समस्या, सामाजिक मानहानि, प्रतिष्ठा की कमी, पिता पुत्र से विवाद की संभावना रहेगी। लेकिन ज्योतिष का महत्वपूर्ण सूत्र समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है, वहाँ सिर्फ भाव की प्रकृति, भावेश से मित्रता या शत्रुता संबंध को देखकर और अपने कारक तत्वों के अनुसार फल देता है। जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य पिता पुत्र और सरकार से सुख, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बोस और बड़े अधिकारियों की तरफ से सुख और सहयोग, प्रतिष्ठा का कारक है और सूर्य का गोचर चंद्र कुंडली के 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11 भाव में शुभता देता है, जबकि अन्य भाव में सूर्य का गोचर कष्टकारी होता है। ज्योतिष अनुसार सूर्य के शुभ प्रभाव के रूप में पिता पुत्र के सुख में वृद्धि, सरकार से लाभ, नौकरी में तरक्की और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, जबकि सूर्य के अशुभ प्रभाव के रूप में पिता पुत्र में आपसी बैर विरोध, सरकार से दंड, नौकरी में अपमान और तरक्की में रुकावट आती है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।